वेलकम बैक टू द चैनल ट्रैवल विद पीएसआर। मैं पवन और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं हरिद्वार स्टेशन से न्यू दिल्ली के लिए शताब्दी एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 12018। और इसके अगर मैं फेयर की बात करूँ तो इसका फेयर है 900 कुछ रुपये, 965 के करीब। इसमें फूड इंक्लूड है और इसकी टाइमिंग है हरिद्वार में 6 बजे, 5 बजे करीब ये देहरादून से चलती है। जस्ट ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में, तो मैं आप लोगों को जैसे ट्रेन आती है तो बताता हूँ। और इस ट्रेन का ये खास बात है, ये दिल्ली बहुत जल्दी पहुँचा देती है। करीब 4 घंटे में हम 11 बजे करीब न्यू दिल्ली पहुँच जाएंगे। जितने भी स्टेशन आएंगे वो मैं कवर करने वाला हूँ, कितने वो सारे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। काफ़ी टाइम बाद इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या है, क्या चेंज हुआ है। इधर ही है वो, इधर है, इधर इधर हमारी ट्रेन ऑन टाइम स्टेशन से निकल चुकी है हरिद्वार से 5 मिनट की लेट के साथ। बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। हमारे आते ही सबसे पहले हमें ये मिला है, इसमें कुछ कचौड़ी टाइप है नमकीन, और इसमें लड्डू, और इसमें वही अपना सैंडविच, और इधर गौरा जी का ये फोन में बात कर रहा है। चलो करते हैं टेस्ट। यहाँ पे कर्टेन, मिरर, चार्जिंग सॉकेट, चाय, भाई खा रहे हैं सैंडविच, और यहाँ पे अपना नमकीन वगैरह रखा हुआ है, लड्डू वगैरह। ऑफिस में बीबी के बोर हो चुके हैं, लग रहा है पानी में चाय पत्ती डाल रहे हैं। अभी हमारी ट्रेन पहुंच गई है रुड़की स्टेशन ऑन टाइम। और रुड़की स्टेशन की बात करूँ तो उसका स्टेशन कोड है RK। और भाई यहाँ पे हमारी ट्रेन 5 मिनट ही लेट पहुँची है, ऑन टाइम क्या ही बोलूँ मैं, 5 मिनट लेट आई है। तो ठीक है, 3 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ओपन कब हुआ था यार ये तो मेरे को याद नहीं है अभी, बट यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। और 6 ट्रैक हैं इस रेलवे स्टेशन पे। अभी हमारा नाश्ता वगैरह मिला था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया, बढ़िया था यार, जो प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी सही देते हैं ये लोग। मे भी थोड़ा सा ना मैं अपना माइक घर पे भूल गया था, लाया नहीं था, तो थोड़ा वॉइस का इशू हो सकता है, बट अगली बार से बढ़िया वॉइस आएगी। मैंने नया माइक लिया है तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलते हैं, बैठते हैं अपनी सीट पर और मिलते हैं सीधा नेक्स्ट स्टेशन पर, और खाना वगैरह आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हमारी ट्रेन निकल चुकी है रुड़की स्टेशन से, जो कि अभी 10 मिनट की लेट से चल रही है।
ज़्यादा तो मैं शूट नहीं करूँगा यार, डर ही लगता है फ़ोन बाहर निकालने में, पता नहीं क्यों। अभी हम पहुंच गए सहारनपुर स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है SRE और टोटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रैक है स्टेशन के। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो माइक बोलेगा तो फिर मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। माइक है नहीं, आप लोगों को पता ही है, पहले ही बता चुका हूँ। सहारनपुर इसको इलेक्ट्रीफाइड का डेट मुझे याद नहीं है, इसको ये इलेक्ट्रीफाइड किया गया था, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, फिर कभी बता दूंगा इसका। और काफ़ी ट्रेन काफ़ी सही है, आप लोग अगर देहरादून से आना है ना तो टाइमिंग सही है। टाइम यहाँ पर इसका आधे घंटे का स्टॉपेज है और हमारी ट्रेन ऑलरेडी 10 मिनट पहले आ गई, तो 40 मिनट यहाँ पर रुकने वाली है। पता नहीं क्यों इतनी देर का स्टॉपेज है, ये तो नहीं पता मुझे, सामने हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो चलते हैं, बैठते हैं, सीट पर खाना वगैरह आने वाला है तो वो भी दिख। आधे घंटे से स्टेशन पर खड़े क्या बोर हो रहे हैं, तो अभी घूम ही रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, सोचा प्लेटफॉर्म भी चलो घूम लेते हैं। यार कितने से इसको बोलने लगते हैं, मेरी आवाज़ ही नहीं जाती। भाई पूछ रहा है क्या रेडबुल है क्या यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक है वैसे ही नहीं है ना, और कहीं भी नहीं होगा। अभी आ गया है हमारा खाना हमारे सामने, मेरा और इधर गौरव का, और आगे मम्मी वगैरह का खाना। तो ये चपाती कर्ड, बाकी इधर दो सब्जी है वो मैं दिखाता हूँ, एक में है दाल और एक में है राइस वगैरह, एक में पनीर सब्जी। तो चलो दिखाते हैं, ये आज का हमारा खाना। क्या खा रहा है पहले, दाल पनीर, ठीक है पनीर का टेस्ट बता कैसा टेस्ट है, बढ़िया। और दाल टेस्ट कर कैसा है, दाल बढ़िया। चलो फिर मिल करते हैं खाना फिनिश, मिलते हैं फिर इधर, मैं भी चलो खाई लेता हूँ। अभी हम पहुँच गए हैं मुजफ्फरनगर स्टेशन और यहाँ पे इसका 2 मिनट का ही हॉल्ट है। 5 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन की बात करें तो 5 ही ट्रैक है और इसका स्टेशन कोड है MOZ 1870 के करीब इसको ओपन किया गया था। ये था इस स्टेशन की जानकारी। और जस्ट अभी खाने के बाद हमारी आइसक्रीम भी आई गई है, तो चल के अपनी आइसक्रीम भी खाते हैं, वरना भैया को बिगड़ते तो बिल्कुल ही बेकारी हो जाएगी। और मैंने सोचा न्यू दिल्ली नहीं, हम लोग गाजियाबाद उतरेंगे। मैं बार बार आप लोग सोचों को धरती देख रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट का स्टॉपेज है और मैं वैसे 1 मिनट लेट ही उतरा हूँ, 2 मिनट होने वाले हैं। तो चलते हैं, बैठ अपनी सीट पर, आइसक्रीम खाते हैं, सिग्नल भी हो चुका है तो चलते हैं अभी। अभी मैम चल दी है, अरे मैम चल दिए नेक्स्ट हमें आइसक्रीम और एक और भाई सब तो खा नहीं सकते क्योंकि इन्हें हो रखा है थोड़ा सा फीवर, तो ये तो अपने सोने की तैयारी कर रहे हैं, तब तक मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो ये जो क्रॉस हुआ है ये था मेरठ स्टेशन, मेरठ सिटी, जिसका स्टेशन कोड MTC और 6 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मैं यहाँ का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था यार, मैं कुछ काम कर रहा था एक्चुअली, कुछ अर्जेंट सा ही गाजियाबाद हम लोग उतरने वाले हैं। मैं सोचा गाजियाबाद क्योंकि न्यू दिल्ली जाएंगे तो 1 घंटा वैसे ही वेस्ट होएगा, आधे घंटे में अपने घर ही पहुँच जाएंगे गाजियाबाद से, तो गाजियाबाद तक ही जा रहे हैं हम लोग। अभी मेरठ क्रॉस हुआ है तो नेक्स्ट स्टेशन गाजियाबाद ही है, तो मिलते हैं सीधे गाजियाबाद पहुँच के। टोटल 10 मिनट की देरी, 10 से 20 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुँच गई है गाजियाबाद स्टेशन और हम पहुँच गए हैं गाजियाबाद। तो काफ़ी बढ़िया सफर था इसका, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।